भगवान श्री कृष्ण 11 साल 1 महीना और 22 दिन वृंदावन रहने के बाद मथुरा जाते हैं। वृंदावन में गोपियां, नंद बाबा, यशोदा माँ सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर कैसे भी करके अपना दुख बांट लेते थे, पर यहां तो मथुरा में ठाकुर जी अकेले हो गए थे। कहने को उनके साथ उनके अंतरंग सखा उद्धव जी थे। अंतरंग सखा यानी बेस्ट फ्रेंड। उद्धव जी की चाल, ढाल, गुण, पहरवेश सब कुछ कृष्ण जी जैसा था। कहते हैं उद्धव जी बहुत ज्ञानी थे। उनको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ था देवताओं के गुरु गुरु बृहस्पति से। बहुत ही ज्ञानी थे। उनके लिए जीवन में सर्वश्रेष्ठ ज्ञान ही था। हमेशा स्वर्ग की कामना और मोक्ष प्राप्ति, इसी ज्ञान मार्ग को वो सर्वश्रेष्ठ मानते थे। पर भगवान कृष्ण तो जानते थे कि ज्ञान से भी परे है प्रेम, भक्ति। ऐसा निस्वार्थ प्रेम, ऐसा त्याग से भरा हुआ प्रेम। प्रेम जब त्याग से भरा हुआ रहता है तो वो निस्वार्थ प्रेम के लिए कहते हैं ना, देवताओं को भी तरसना पड़ता है। देवता भी तरसते हैं ऐसे प्रेम और ऐसी भक्ति को पाने के लिए। एक दिन राजकाज का सब कार्य समाप्त करके भगवान श्री कृष्ण अपने महल वापस जाते हैं। अपने कक्ष में जाकर झरोखे के सामने बैठते हैं। वहां यमुना नदी बह रही है, एकदम शांत यमुना का जल बह रहा है, जैसे मानो कृष्ण की आंखें किसी को ढूंढ रही है। भगवान जैसे किसी को ढूंढ रहे हैं, कोई मिल जाए। कई कई बार ऐसा होता है, कोई व्यक्ति अगर हमसे दूर है, वैसे हम हर रोज उनको याद करते हैं, पर कई कई दिन ऐसा होता है कि बस ऐसा मन में लगता है बस एक बार दिख जाए, एक सिर उनकी झांकी दिख जाए। होता है ना, जैसे बेटा माँ से अलग कहीं दूर है, या माता पिता कहीं दूर है अपने बच्चों से, पति पत्नी कहीं दूर है, एक दूसरे को बहुत याद करते हैं और रोज याद करते रहते हैं, ऐसा नहीं है। पर कई कई दिन वो जो बोलते हैं ना, वो जो लॉन्गिंग है वो बहुत ही ज्यादा तीव्र हो जाती है कि बस कुछ भी हो एक बार उनको देख ले। कृष्ण भगवान एक टस यमुना नदी को बहते बहते देखते हैं, जैसे मानो यमुना नदी की वो चंचलता ही चली गई और नदी बह रही है उसमें, जैसे मानो यमुना नदी में नंद बाबा, यशोदा माता और ढेर सारी गोपियों के आंसू बह रहे हैं। और यही तीव्रता को भगवान श्री कृष्ण महसूस कर रहे हैं और यमुना का जल देखते 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 वो अपने पहले जो साल बीते हैं वृंदावन में उसमें खो जाते हैं। गोधूली समय देख के तुरंत ही उनको ग्वालों की याद आती है और वही मुग्धता में वो जोर से चिल्ला लेते हैं कि उनके जो प्रिय सखा थे श्रीदामा को चिल्ला के बुलाते हैं, बाकी सारे ग्वालों को बुलाते हैं और तुरंत ही उनकी उनको उनकी सजगता होती है और देखते हैं कि अरे वो तो मथुरा के एक महल में खड़े हैं, सामने यमुना नदी बह रही है। और इतना भास होते ही श्री कृष्ण भगवान बहुत ही जोर जोर से रोने लगते हैं। उनकी आंखों से आंसू रुकते नहीं है और कहते हैं ना, हिचकियां लेते 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 भगवान बहुत ही बहुत दुख के साथ, पीड़ा के साथ रोने लगते हैं। भगवान की रोने की आवाज सुनकर पास के जो कमरे में उद्धव जी थे, उद्धव जी दौड़े दौड़े आते हैं। भगवान श्री कृष्ण को रोता हुआ देखते हैं और छाती से लगा लेते हैं। अरे भगवान क्या हुआ, श्री कृष्ण को क्या हुआ, बहुत अचंभित होते हैं कि अरे भगवान आप रो रहे हैं,
आप तो इतने ज्ञानी हैं, आप रो रहे हैं, आपको पीड़ा होती है। उद्धव जी कहते हैं, अरे मोह माया से परे भगवान को किस लिए रोना आ रहा है, आप क्यों रो रहे हैं। भगवान कहते हैं, उद्धव मुझे वृंदावन की बहुत याद आ रही है, मुझे माता यशोदा और नंद बाबा की बहुत याद आ रही है, मुझे वो सारी गोपियों की बहुत याद आ रही है। और भगवान आगे कहते हैं कि मैंने इन सबको कभी भी सुख नहीं दिया है, मैंने यशोदा माता को कभी कोई सुख नहीं दिया है, मैंने हमेशा उनके लिए मुसीबतें खड़ी की है। मैं जब गोपियों के घर से मक्खन चुरा के लाता था, उनकी मटकियां फोड़ के लाता था, आए दिन हर रोज उनको मेरे नाम की कोई ना कोई शिकायत सुनने को ही मिलती थी। मैंने कभी नंद बाबा को कोई सुख नहीं दिया है, और उसके सामने नंद बाबा ने, माता यशोदा ने मुझे इतना प्यार दिया है, पता है युगो युगो तक ऐसी यशोदा माता किसी को नहीं मिल सकती है, ऐसे नंद बाबा किसी को नहीं मिलते हैं। ऐसा कह के भगवान और रोने लगते हैं। भगवान कहते हैं, एक दिन मुझे गैया चराते चराते वापस लौटने में थोड़ी देरी हो गई थी, जैसे ही मैं घर पहुंचा यशोदा माता मुझे लिपट कर जोर जोर से रोने लगी थी, कहती है, कन्हैया तू देर मत किया कर, तुझे थोड़ा सा आने में देरी हो जाती है, मैं जैसे मेरी जान ही चली जाती है। फिर नंद बाबा के लिए बताते हैं भगवान, बोलते हैं, नंद बाबा जानबूझकर घर से निकलते हुए जूतियां पहन के नहीं निकलते थे। नंद बाबा जानते थे कि मैं दौड़ के उनको जूतियां देने जाऊंगा, और नंद बाबा जूती पहनकर मुझे पूरा वृंदावन कंधे पर बैठकर घुमाते थे। फिर आगे भगवान बोलते हैं कि अरे उद्धव, वो गोपियों के बारे में तो क्या मैं बताऊं, भोली गोपियां, जब यशोदा माता ने मुझे बहुत डांटा था कि ये गोपियां सारी बहुत गरीब है, तू ये सबकी मटकियां मत फोड़ा कर, थोड़ा सा मक्खन निकलता है वो बेच के ही तो उनका दिन चलता है, उनका जीवन चलता है, कन्हैया ये सब तू नुकसान करता है, वो ये सब बहुत गरीब गोपियां है। कहते हैं, एक दिन तक, एक हफ्ते तक मैं किसी गोपियों के घर पे नहीं गया था, तो एक दिन सारी गोपियां यशोदा माता से झगड़ा करने आई थी, बोलते यशोदा तू क्या समझती है, ये कन्हैया तेरा अकेले का बेटा है, कन्हैया तो हम सबका बेटा है। और कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि हम दरिद्र तब हो जाएंगे जब कन्हैया हमारे घर नहीं आएगा। गोपियां कहती हैं, अरे कन्हैया आता है हमारे घर, इसीलिए तो हम धनवान है। फिर भगवान राधे को याद करते हैं, और राधे 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 चिल्ला के और दुखी हो जाते हैं, उनकी आंखों से अश्रु की धारा रुक नहीं पाती है। तब उद्धव जी भगवान को बताते हैं कि अरे भगवान, ये सब अनपढ़ गवार के लिए आंसू थोड़े ना बहाते हैं, आपको इनको ज्ञान देना चाहिए, आपको इनको समझाना चाहिए था। तब भगवान बोलते हैं, अरे उद्धव तुमको कैसे लगा ये सब अनपढ़ गवार है। तब उद्धव जी बोलते हैं कि देखो, मैंने भगवान के देवता बृहस्पति जी से ज्ञान शिक्षा ली, मैं गुरुकुल गया। तब भगवान बोलते हैं कि देखो, मैं तो सिर्फ एक ही साल गुरुकुल गया था, मैं कहां ज्ञानी हूं। तो उद्धव जी बोलते हैं कि अरे भगवान, आपसे ही तो सारा ज्ञान है, आप तो ज्ञान की ही प्रतिमूर्ति है, ये सब गांव वाले कहां गुरुकुल गए हैं, ये सब कहां गुरुकुल जाकर पढ़ के आए हैं, आपको इनको ज्ञान देना चाहिए, आपको इनको समझाना चाहिए। तब भगवान उद्धव जी को वृंदावन जाने का कहते हैं, और सबको देखकर आने की बात करते हैं। उद्धव जी तैयार हो जाते हैं जाने के लिए। तब भगवान उद्धव जी को अपने कुंडल, मुकुट, पीताम्बर सब पहन के जाने के लिए कहते हैं। तो उद्धव जी बोलते हैं, भगवान इसका क्या जरूरत है, मैं तो कुंडल और पीताम्बर सब पहनता हूं। पर भगवान ने बोला, नहीं, मेरे कुंडल,
मेरा मुकुट और मेरा पीताम्बर पहन के जाओ, नहीं तो पता है उद्धव, वहां वृंदावन में तुम्हारे सामने कोई देखेगा भी नहीं। जब इनको ये भास होगा, जब गोपियों को, नंद बाबा को, माता यशोदा को ये भास होगा कि ये कृष्ण जैसा कोई है, तो एक तक तुम्हारे सामने कोई देखेगा भी नहीं, तो तुम्हारे सामने भी कोई नहीं देखेगा। उद्धव जी को खुद के ज्ञान पर बहुत भरोसा था कि वो समझा देंगे। भगवान ने सबका हुलिया समझाया, सबके साथ क्या बात करना है वो सब समझाया। भगवान भी मन ही मन समझते हैं कि उद्धव को अपने ज्ञान पर बहुत ज्यादा अहंकार है, वो भी देख ले प्रेम क्या होता है। भगवान कहते हैं तुम ही जाकर उद्धव इन सबको समझाओ कि ये प्रेम भक्ति रोना गाना ये सब छोड़ दे, ये सब कोई मतलब नहीं है, और तुम उनको ज्ञान के मार्ग पर लाओ। उद्धव जी तो निकलते हैं, पहुंचते हैं वृंदावन। पहुंचते ही उनको सामने थोड़ी गोपियां मिलती हैं। गोपियों से वो नंद बाबा का घर पूछते हैं। तुरंत ही एक गोपी ने बोला कि आप मथुरा से आए हैं क्या? तो आश्चर्य हुआ उद्धव जी को कि तुमको कैसे पता। बोलते आप ये मथुरा वालों को ही नंद बाबा का घर नहीं पता, बाकी सब जानते हैं नंद बाबा का घर कहाँ है। गोपी बोलती है कि ये पानी बह रहा है, बहते बहते पानी जहां खत्म होता है वहां नंद बाबा का घर है, वहां पर तुम जाओ। दूसरी गोपी बोलती है, थोड़ा सा गुस्से से बताती है कि जब से तुम मथुरा वाले हमारे कन्हैया को लेके गए हो ना, तब से ये साधारण पानी नहीं समझना इसको, ये नंद बाबा और माता यशोदा के अश्रु बह रहे हैं। इतना सुनते ही भगवान का संदेशा लेके उद्धव जी पहुंचते हैं नंद बाबा के घर। नंद बाबा के घर पहुंचते ही बाहर खड़े रह के नंद बाबा को आवाज लगाते हैं। कृष्ण भगवान ने अच्छे से नंद बाबा का हुलिया बताया था कैसे लगते हैं बाबा। तो उद्धव जी देखते हैं कि घर के बाहर एक बहुत ही वृद्ध आंखें अंदर चली गई है, बहुत ज्यादा जुरिया पड़ गई है। ऐसा एक वृद्ध व्यक्ति घर के अंदर से बाहर आता है तो आश्चर्य होता है। तो नंद बाबा बोलते हैं, हाँ मैं ही नंद हूँ, बताओ क्या काम है। वैसे उद्धव जी बोलते हैं कि कृष्ण ने संदेशा भेजा है, मैं कृष्ण का संदेशा लेकर आया हूँ। नंद बाबा उसको बहुत प्यार से घर के अंदर ले जाते हैं, बिठाते हैं।